संक्षेप में कि यहाँ मैं योगी जी की एज ए चीफ मिनिस्टर ये तारीफ भी करना चाहूँगा, आमतौर से जो बड़े नेता होते हैं वो इन चुनावों में थोड़ा सा बचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, थोड़ा अगर मामला गड़बड़ हो गया, कुछ कम हो गए तो सीधे लोग कहेंगे पूरी दम लगाई, देखिए ये हाल हुआ। लेकिन उन्होंने एक हिम्मत दिखाई और खुद फ्रंट पे गए हैं, ये एक तरह से उन्होंने रिस्क भी लिया। चलिए देवेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने पहले ही वॉक ओवर दे दिया, आखिर इसकी क्या वजह रही? कोई भी दिग्गज नेता नहीं निकला चुनाव में, क्या वजह रही इसकी? नहीं लक्ष्मी जी, ये बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। गुजरात में भी जीते सर, उत्तर प्रदेश के इस निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा है, चुनाव प्रचार में रहे। कोई भी तो दिग्गज नेता आपका प्रचार में नहीं उतरा, हमारे बीजेपी के सीएम का चेहरा प्रचार कर रहा है नगर निकाय चुनाव का, ये देखिए। लक्ष्मी जी, आप इसको ना देखें तो उसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ। चलिए, मैं लगातार हमारे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय राज बब्बर जी, हमारे प्रभारी गुलाम नबी आजाद जी, डॉक्टर संजय सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी, पीएल पुनिया जी, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पूरे प्रदेश में लगभग हर जिले में हर मेयर के सीट पे जाने का काम किया है, रोड शो करने का काम किया है। और हम पूरे प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता एक बहुत ही गंभीरता के साथ इस चुनाव को लिया है। और आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस ने हमेशा निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही दम्भ भरते हैं कि हम 20 सालों से यहाँ कब्जा किया, क्या कब्जा किया, क्या किया है आपने? यानी इस बार आपको उम्मीद है? नाम पे आप जीरो रहे, और निश्चित तौर पे जो मेरे सपा के प्रवक्ता तारिक भाई ने कहा था उसमें बहुत सच्चाई है कि इस बार चुनाव में मैं भी सुबह गया था यहाँ स्प्रिंगडेल पे पूरे परिवार के साथ गया। कहना चाहता हूँ, जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ वो ऑफिसर्स कॉलोनी है, वहां पे मेरे बगल में कुछ वास्तु संपादक वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं। और बताऊं आप, 2/61 से लेकर 67 तक कम से कम 100 वोट हैं, सारे के सारे वोट गायब हैं। और जब हम लोगों का एक सामाजिक कार्यकर्ता का, सामाजिक नेता का जो एक जो नाम गायब है, तो और जनता क्या होगा? कलराज मिश्र का नाम गायब है सर, कलराज मिश्र का भी नाम गायब है, आप दुखी मत होइए। पूरा का पूरा जवाब लूंगी। निर्वाचन जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये पूरा फेल्योर है, और इसकी पूरी वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक का नाम गायब है। भारतीय जनता पार्टी के कितने नाम गिनाऊं मैं आपको? लक्ष्मी जी, भारतीय जनता पार्टी के कारनामों के कारण, चाहे वो 2014 के भारत की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की 2017 की सरकार हो, जिस तरीके से जनता के साथ धोखा किया है, जनता से वादा खिलाफी किया है, जुमलेबाजी किया है, और जो भी वादे कर किए हैं, चाहे जो लोग संकल्प बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक भी पूरा करने का काम नहीं किया, केवल समाज में मतलब पैदा का करने एक का अपडेट आ रही है, लड़ाने का काम किया है, और केवल वही, और इन्होंने मुख्य मुद्दे जनता से, प्रदेश से वादे किए थे वो एक भी, इसलिए जनता में निराशा है। लौटूंगी सर, लौटूंगी। एक इस बीच एक अपडेट आ रही है हमारे पास, लखनऊ में निकाय चुनाव